ऐसे ही बहुत खूबसूरत लिए। पो हो गया क्या पो? आप लोग को मैं एक बार रूम 2 दे दूं, और रूम इस बार बहुत ही बढ़िया है। खत्म भाई, हम तो दूर होते खत्म हुए हैं। तूने यहाँ के किंग एंड क्वीन, मम्मी का प्यार कहीं नहीं जाता यार। भाई ये मान गया, लेडीज को बोल, शोन को मान गया। हम लोग UK 07 के शहर में है, हम उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड में। सो फाइनली यू हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। बढ़िया है होटल, तो अच्छा लग रहा है। होटल बड़ा है बेटा, होटल देखो पीछे तक है। सीढ़ियों से डायरेक्ट चली जाओ। ओ भाई, चले जाओ, घूम के जाना पड़ेगा। और ये सीढ़ियां, मतलब इतना सारा सामान उठा के, ये देखना इतना सारा सामान उठा के मुझे अकेले चलना है। अबे घंटा हेल्प, एक बार वो बैग ले जाना, दूसरी बार दूसरी बैग ले जाना। इतनी सीढ़ियां उठा के मुझे चलना पड़ेगा। एक काम करना, एक बार वो ग्रीन वाला बैग, दूसरी बार ब्राउन वाला बैग, तीसरी बार मेरा पर्स लेकर चले जाना, क्योंकि मैं अकेली चली जाऊँ वही बहुत है। उसके बाद पता चला देवलोक से इंद्रदेव आए और मुझे लेके चले। वाह क्या हसीन रास्ता है, स्क्रॉलिंग का है। चलो यहाँ चल रहा, पैसे लिए है तो सुंदर, पैसे भी बहुत खूबसूरत लिए। फो हो गया क्या फो? कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्सपीरियंस। भैया को देखना, भैया क्या फटाफट लेके गए। हाँ मम्मी इधर ही आ जाओ आप भी। बट नहीं, हाँ 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 मेरे मुंह से भी निकलने वाला था। बहुत ही सुंदर है यार। हाँ जिसमें वो गाना आता है, और वो पहले वाला जो गाना गाता है, गाना मैं निकला। हाँ 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 वही 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 तो। हाँ मे बी, चलो मे बी। बहुत ज्यादा आज थक गए हैं। एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज थकी थकी हालत में व्लॉग की शुरुआत, होटल टूर देंगे आपको। होटल बहुत बढ़िया बड़ा है, बाकी मम्मी को आना चाहिए। मम्मी नहीं आएंगी, मेरी टांगे बहुत खूबसूरत हो रही है। मम्मी बिना गाड़ी की नहीं आएंगी, पक्का है। गाड़ी यहाँ नहीं, स्कूटी चढ़ जाएगी, ओ बाइक चढ़ जाएगी। आओ आओ जल्दी आओ। होटल तो ठीक है यार, हमने मगर बिना बालकनी वाला रूम लिया, क्योंकि हमें तो पहले रहना है, हम बस सोते ही रहेंगे, इसलिए बिना बालकनी वाला रूम लिया। तो हमें होटल रूम मिल गया है, अर्ली चेक इन की हमने। सो गाइस हमें रूम मिल चुका है, और रूम के आप लोग को मैं एक बार रूम 2 दे दूं, और रूम इस बार बहुत ही बढ़िया है। मतलब देखो आप लोग चाहोगे कि हर चीज एक्सपेक्टेड मिले, कि बहुत ही बढ़िया बड़ा रूम ये वो, तो यार देखो कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, मगर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, रूम अच्छा मिला है, सब कुछ सही है। इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कुछ अपग्रेड भी है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ अर्ली चेक इन के लिए हम लोग को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, मगर कोई बात नहीं यार। आ अभी तो सुबह 6 बजे से आके बैठे पड़े हैं, बुरी हालत हुई पड़ी थी, अब रूम टूर लेता हूँ। तो ये हमने रूम से एंट्री जैसे की, ये हमारा वार्डरोब है, वार्डरोब में जहाँ पे एक सेफ मिला हुआ है, सेफ का जिसका हमें कोई यूज नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे इसमें, ना सोना चांदी हम लेके आते हैं ना हमारे पास है। फिर इसी के लेफ्ट हैंड पे हमारा एक बाथरूम है, जो कि बहुत छोटू सा है। खत्म भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो हमारा सोचने वाली जगह है, और इसके अंदर में आते के साथ ही यहाँ पे शीशा है, जिसके अंदर में हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक बढ़िया ही दिख रहे हैं। देखो मेरे काम की चिमनी शुगर फ्री गोल्ड, शुगर फ्री गोल्ड यहाँ पे दिया है, वाओ होटल में मिलते हैं। ओके सो मैं कंटिन्यू कर लूं। सो ये रूम है, ये रूम है, रूम है, बस रूम है, इतना ही है, मगर अच्छा है। यहाँ पे एक टीवी दिया है, जो कि हम शायद ही देखेंगे इसमें कुछ भी। बेड है, आई थिंक क्वीन साइज है, यहाँ पे होटल्स में जितने चीजें होती है वो सारी वो है, सफिशिएंट है, क्वीन साइज बेड है, दोनों साइड में हमें टेबल दिया हुआ है, अच्छा है, जो कि एक सोफा है, दोनों यहाँ के किंग एंड क्वीन। एंड यहाँ पे केटल लिया था भाई, चाय वाय पीने के लिए सब कुछ है, और सबसे अच्छी चीज यार ये देखो, मेरी फेवरेट, ये फेवरेट, और वो मेरी फेवरेट मान लो, दोनों मेरी फेवरेट। अच्छा ये पार्ट थोड़ा सा खराब है, दिखाना नहीं चाहता, मगर विदाउट बैल्कनी है, हमने विदाउट बैल्कनी लिया। आप लोग को बताया था ना कि रूम में रहना ही कितना, हम लोग तो यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, स्टे करने के लिए आए हैं। ये है क्या वैसे, एक बार देखे, ये वॉल है, दूसरा होटल है, अबे खुलता कैसे है, दूसरा होटल है सामने, है छोड़ो। तो इतना ही था रूम, बैल्कनी से क्या करना है, हमें यहाँ पे इतनी सारी चीजें घूमने के लिए, द थिंग इज ठीक है,
हम लोगों ने अपग्रेड के लिए भी बात किया, तो अपग्रेड 1200 में हो रहा था। हमने कहा कि क्या करना यार, उसी का हम स्कूटी लेंगे। हाँ ठीक है, 1200-1500 वो तो तुम कम कम भाई ये मान गया, शगुन को मान गया। वो उनने बोला अर्ली चेक इन 1500 लगेंगे, शगुन को छोड़ दिया मैंने, खुला छोड़ दिया। शगुन ने बोला कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। इतना लिटरली ऐसे बात की है, इतने बढ़िया होटल में 4 स्टार होटल है। मैं ऐसे नहीं बात किया है कि आपने, तो मैं क्या करती कि मैं जो बोलता नहीं था मैं उसको भुला देती हूँ। आपने 1000 बोला था तो मैं 1000 ही मान रही, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। वैसे इसको माना जाता है बार्गेनिंग करनी चाहिए, जो लोग बार्गेनिंग करते वही लूटते हैं भैया। नहीं बार्गेनिंग कर रहा था मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ज्यादा 3-5 करना, मगर चलो ठीक है जो भी है अच्छा हो गया है। औरतों पे छोड़ दिया कि हाँ मैंने इसलिए छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। बाकी अभी हम लोग चलते हैं, अभी फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ा सा सोएंगे और उसके बाद निकलेंगे। 1000 रुपए में 2 दिन की स्कूटी रेंट हो जाएगी। भैया ने भी, होटल वाले भैया ने भी सजेस्ट किया कि आप बाइक मत लो क्योंकि स्लिपरी बहुत है, स्कूटी से आप आराम से जाओ। मगर स्कूटी पे भी ये बोले हैं कि थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा आपको। हाँ क्योंकि बारिश का मौसम है। अब सोचो वो 1000 रुपए सेव हुए, 2 दिन का स्कूटी रेंट हो जाएगा। हाँ, 3 दिन तो मजे करेंगे बाहर, 3 दिन तो रहना ही है। सरस्वती पूजा, कोई नॉनवेज का हाथ नहीं लगाना है। 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। यस, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की तो भूल ही गई थी, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र है, हाँ 74th गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आप लोग वीडियो देखेंगे गणतंत्र दिवस खत्म हो रखा होगा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने बहुत ही अच्छे से रिपब्लिक डे बनाया होगा, जलेबियां खाई होगी। हम यहाँ पे यहाँ की लोकल डिश खाऊंगी। हाँ हम लोग भी जाएंगे, जलेबी होगा कहीं ना कहीं, अगर होगा तो मैं जरूर खाऊंगी। यहाँ का फेमस पता है क्या, बन है, बन के साथ, बन मस्का नहीं, बन के साथ कुछ और होता है। नहीं नहीं, स्वीट डिश में जलेबी तो यहाँ पे नहीं होता, जलेबी हमें यूपी साइड या बिहार साइड में दिखा जाता है। अगर मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगी, और हमारा गणतंत्र भी लगेगा कि जलेबी खाने के बाद सफल हुआ। हाँ जी भाई लोग, तो वहाँ पे मैडम तैयार हो रही है, और यहाँ पे मम्मी का प्यार कहीं नहीं जाता यार। यहाँ पे मम्मी ने हमें दिया है बहुत ही बढ़िया घर का बना हुआ गाजर का हलवा। तो फिलहाल नाश्ता करने से पहले, मतलब नाश्ता करने जाने से पहले गाजर का हलवा खाएंगे, फिर जाएंगे पहाड़ों का स्पेशल फूड खाने जो यहाँ का मशहूर है। क्या है शगुन बताओ? पहाड़ों की मैगी, ऑल इन वन मैगी। पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है, तो पहाड़ों की मैगी खाने जाएंगे। और उससे पहले, मतलब नाश्ता करने से पहले और ये हलवा खाने के बाद, हम अभी जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। फ्लैग होस्टिंग का यहाँ नीचे होटल वालों ने किया है, तो उन लोगों ने कॉल करके बुलाया है, तो उस चीज में जा रहे हैं। तो चलिए उसका देखते हैं, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहीं पे, थोड़ा सा मॉल रोड के पास में घूमेंगे फिरेंगे, नाश्ता करेंगे। और आज एक चीज बता दूं, हमें शॉपिंग करने जाना है, तो ये उस व्लॉग के बाद में आएगा, मतलब इस व्लॉग के। अब तो व्लॉग ही व्लॉग है, कंटेंट ही कंटेंट है यार। भाई साहब हम लोग UK 07 के शहर में है, नहीं ये कहना खराब रहेगा, हम उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड में है। तो भाई अपन चल रहे हैं अब झंडा फहराने के लिए। पता नहीं नीचे ही चलते, रिसेप्शन पे पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना, धूप अच्छी है। फ्लैग होस्टिंग का, हाँ यार बहुत सुंदर है, कॉफी बना के लाके बैठ के पी सकते हैं। चलो 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 चलो, पहले नीचे चलो, नीचे